What's up guys, welcome back to Indian Soldier 1, मेरा नाम है वासव। और गाइज एवेंजर्स एंड गेम का रिव्यू तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बस अभी अभी डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अभी मैं जा रहा हूँ डेज गॉन लेने, क्योंकि एक्चुअली मैं जिस डीलर से मैंने पहले अपने लिए और बाकी सबके लिए जिन्होंने प्री ऑर्डर करी है मेरी वेबसाइट से, उनके लिए जो डिस्क मंगवाई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी मेरे को 3-4 डिस्क और चाहिए, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ पालिका। एंड जल्दी से लेके आते हैं डिस्क। एंड ओह शिट यार, गियर लॉक मैन, आई नो वो आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे भाई डेज गॉन को रेटिंग अच्छी नहीं मिली, बट उसकी जो रेटिंग थोड़ी सी ख़राब मिली है ना, उसका मोस्ट ऑफ द रीज़न ये है कि एक तो उस गेम की ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और दो चार रीज़न हो रहा है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, बट फिलहाल चलते हैं पालिका बाजार CP दिल्ली, तो लेट्स गो। अभी मैं पहुंच गया हूं CP, तो लेट्स गो एंड गेट आर गेम्स डेज गॉन। तो गाइस फाइनली मैंने 3 डिस्क ले ली हैं डेज गॉन की, एंड अभी जो 2 हैं वो तो मैं दे दूंगा किसी को और एक बाद में देनी है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये तीनों डिस्क काफ़ी सस्ते में पड़ी हैं, मतलब कन्वेंशनल रेट जो नॉर्मली होता है 36-37 का, उससे तो थोड़ा सस्ते में मिली हैं, क्योंकि 3 ली हैं मैंने, तो आप भी थोड़ी बार्गेनिंग करोगे तो आपको भी जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे पालिका या करोल बाग, जहाँ से भी आप लेते हो। ओके, तो डेज गॉन मैं लेके आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, और जो 2 डिस्क हैं वो रास्ते में मैं देता हुआ जाऊँगा जिनको चाहिए, जिसने मंगवाई थी। और मैं आपको बता दूंगा इसके यार रेटिंग की बात कर लेता हूँ, मैं आपसे बेसिकली रेटिंग की बात करना चाहता हूँ यहीं पर। अभी बात यह है कि रेटिंग IGN ने बहुत कम दी है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई और रीज़न भी हो सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में भी रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट अब ये तो गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मैंने गेम प्ले देखा है अभी तक, या जो भी मैंने चीज़ें इसके बारे में सुनी हैं, उस हिसाब से तो गेम मतलब एटलीस्ट इतना कम तो डिज़र्व नहीं करती। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स होंगी जो टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहेंगे, मेरे ख्याल से ये 3रा अपडेट आ चुका है इसका, क्योंकि इतने डिले के बाद अगर फिर भी हमें प्रोडक्ट ऐसा मिले जैसे लोग बता रहे हैं तो बहुत गलत बात है। बट स्टिल जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेता तब तक मैं आपको कोई अपनी जजमेंट अभी नहीं देना चाहता। फाइनली गाइस आई एम बैक होम, और अब मैं करने वाला हूँ डेज गॉन की अनबॉक्सिंग। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि जिनको मैंने गेम देने जाना था उन्होंने बहुत इंतज़ार करा दिया मेरे को, बट दैट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इनबॉक्स कॉन्टेंट्स, और साथ में इस गेम का जो फर्स्ट पैच है वो कितने GB का है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं फ्रंट में डेज गॉन, ये हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है डिकन, एंड दिस इज पेंट स्टूडियोज लोगो जिसने ये गेम डेवलप की है, 18+। ओ बहुत ही ब्लड एंड गोर वायलेंस वाली गेम है, ओनली ऑन PlayStation, यानी कि PlayStation एक्सक्लूसिव, दिस वर्ल्ड कम्स फॉर यू। तो बाकी का ये थोड़ा सा छुपा हुआ है स्टिकर की वजह से, स्टिकर मैं आपको दिखा देता हूँ, और दिस इज इट। अब मेरा नाइफ नहीं मिल रहा था तो मैं अभी अपनी कार की चाबी से इसको खोल दूंगा, क्योंकि अब नाइफ कौन ढूंढे, टाइम बहुत हो चुका है। ओके, एंड ये रहा बैक कवर, दिस वर्ल्ड कम्स फॉर यू, सर्वाइव डेंजरस लाइफ ऑन द रोड एज आउटलॉ बाइकर डिकन सेंट जोन, फेस डिफॉर्म्ड फ्रीक्वेंसी एंड मर्सलेस ह्यूमंस इन द वर्ल्ड पार्ट बाय डेडली पेंडेमिक, एक्सप्लोर हार्श ओपन वर्ल्ड। तो पढ़ लेना आप यार ये सब कुछ। 1 प्लेयर, 50 GB की रिक्वायरमेंट है, डुअल शॉक 4, PS4 Pro एनहेंस यानी कि 4K सपोर्टेड, वायलेंस, बैड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होगा, एंड दिस इज नॉर्मल PlayStation Plus की एडवर्टीजमेंट, जो कि आपको कोई कूपन कोड नहीं देता इसमें, एंड दिस इज डेज गॉन डिस्क, ब्लू-रे डिस्क है गाइस, जल्दी से इसको डालते हैं अपनी PlayStation 4 में और देखते हैं इन गेम ग्राफिक्स एंड स्टफ। ओके, तो जल्दी से अपनी PlayStation 4 की पहले डिस्क रिमूव कर देते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी डिस्क इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, हो गया रिमूव डिस्क, कौन सी डिस्क मतलब मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली, गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, और जल्दी से डेज गॉन, ओह वाह भाई इतनी देर बाद गई है, तो मेरी PlayStation 4 डेफिनेटली बहुत पुरानी हो चुकी है, और डेज गॉन डिटेक्ट कर ली है एंड इट्स इंस्टॉलिंग। जल्दी से इसकी इंफॉर्मेशन
साइज इज 861 KB, वाह वाह वाह, 1 MB से भी कम की गेम है गाइज, बट स्टिल वो इंस्टॉल हो रही है वर्जन 1.0। और जल्दी से देख लेते हैं इसकी डाउनलोडिंग जो अभी आई है, लेट्स सी। तो गाइस 23 GB का अपडेट है इस गेम का, 5 hours लेफ्ट, और यहाँ पे जल्दी जल्दी अपडेट हो जाए मैं तो ये कहूँगा। मेरी बाकी चीज़ें भी PC पे इंस्टॉल हो रही हैं, डाउनलोड हो रही हैं, तो इसलिए मैं इसको पॉज कर दूंगा अभी। और इसके जो इन गेम ग्राफिक्स हैं, जो ग्राफिक्स वगैरह हैं, वो मैं आपको ये अपडेट के बाद ही दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बग फिक्सेज हैं इस अपडेट में, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग तक ही रखते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया कि प्राइस आपको अगर नेगोशिएट करना है तो आप करोल बाग या CP जहाँ से भी लेते हैं वहाँ पे आप अच्छे से मतलब प्राइस को नेगोशिएट करना, उसके बाद ही परचेज करना। दैट्स इट गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टेक केयर, बाय बाय।